तो अब हम टाइगर हिल से सनराइज और कंचनजंगा में स्लीपिंग बुद्धा को देखकर हम लोग जा रहे हैं घूम मोनेस्ट्री। तो ये है टोटल चार्जेस पर हेड लाइक 70 रुपीज़, 50 एंड 20। पर आप टाइगर हिल विजिट कर रहे हो तो ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अभी हम लोग आ गए दार्जिलिंग के खूबसूरत मोनेस्ट्री में। मेरे पीछे है दार्जिलिंग का कुम मोनेस्ट्री। ऐसे मोनेस्ट्री तो बहुत देखा था मैंने स्पीति में, लाइक वहाँ बहुत मोनेस्ट्रीज है। स्पीति में विलेजेस को एक एक मोनेस्ट्री के अंदर डाल दिया जाता है। एक मोनेस्ट्री के अंदर एक विलेज, दूसरे मोनेस्ट्री के अंदर दूसरा विलेज, तो अलग अलग मोनेस्ट्री के अंदर अलग अलग विलेज होते थे स्पीति में। मोनेस्ट्री या मठ एक इमारत होता है या इमारतों का एक परिसर होता है जिसका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा या ननों द्वारा पूजा, योग, ध्यान साधना के लिए किया जाता है। घूम का येगा चोलिंग मठ या येगा चोलिंग मोनेस्ट्री दार्जिलिंग क्षेत्र में सबसे पुराने तिब्बती बौद्ध मठों में एक है, जिसे 1850 में भिक्षु और प्रसिद्ध ज्योतिषी लामा सोकोपो शेरा ग्यात्सो द्वारा बनाया गया। ग्यात्सो उस वक्त मोनेस्ट्री के हेड थे और अपना कार्यकाल 1905 तक जारी रखा और उसके बाद वे अपने जन्म स्थान तिब्बत वापस चले गए। इस मोनेस्ट्री को स्थानीय लोगों द्वारा घूम मोनेस्ट्री या घूम मठ भी कहा जाता है। यह मोनेस्ट्री दार्जिलिंग शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है और लगभग 7,407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मोनेस्ट्री दार्जिलिंग के सबसे फेमस जगह में से एक है। यह मोनेस्ट्री येलो हैट संप्रदाय से संबंधित है, जिसे गेलुपका के नाम से भी जाना जाता है। इस मोनेस्ट्री के अंदर भगवान बुद्ध की 15 फुट ऊंची प्रतिमा है, जिसे ग्याल्पा शंपा के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है भविष्य का बुद्ध या आने वाला बुद्ध। यह प्रतिमा दार्जिलिंग क्षेत्र में बुद्ध की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। यह प्रतिमा तिब्बत से लाई गई मिट्टी से बनाई गई थी। इस मोनेस्ट्री के अंदर बुद्ध की मूर्ति के सामने 2 ऑयल लैंप है या तेल के दीपक है, जो पूरा साल हमेशा जलती रहती है। इस मोनेस्ट्री में कुछ त्योहार हर वर्ष मनाए जाते हैं, जैसे तिब्बती न्यू ईयर, शक दावा मतलब भगवान बुद्ध का जन्म और ज्ञान इत्यादि। यह मोनेस्ट्री सप्ताह के सभी दिन सुबह से शाम तक खुला रहता है। यहाँ एंट्री करने के लिए आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे। पिछले 2 दशकों से मठ भिक्षु गंभीर संकटों से गुजर रहा है। अब तक मोनेस्ट्री को मिलने वाली अनुदान सहायता न तो सरकार से मिली है और न ही किसी अन्य स्रोत से। वर्तमान में मठ स्थानीय भक्तों के दान और योगदान के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। बस ये थी कुछ इस मठ के बारे में जानकारियां। अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हो तो अपने लिस्ट में जरूर इस घूम मठ को रखना। इस व्लॉग को मैं यहीं तक रखता हूँ। मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में। तो ये था दार्जिलिंग का फेमस घूम मोनेस्ट्री का छोटा सा टूर। इट वॉज अमेजिंग। हम लोग चलते हैं सीधा अपने घर की तरफ, मतलब सीधा अपने होमस्टे की तरफ, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। हम लोग घर से निकले थे अराउंड 5, तो मिलते हैं आप सबसे वहीं जाके।